गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने हमारी लास्ट क्लास में वर्मी कल्चर टॉपिक को शुरू किया था। मैं जो लास्ट क्लास में बातें की थी वही वापस रिवाइज करा देता हूं कि हमारे वर्मी कल्चर जो पेपर थर्ड की फर्स्ट यूनिट टॉपिक है, ये अक्सर अल्टरनेट एक साल छोड़ के एक साल साढ़े तीन का कई बार प्रश्न भी आता है कि वर्मी कल्चर क्या है, इस पर टिप्पणी लिखी है। देखिए, या एक नंबर का भी प्रश्न आता है कि वर्मी कल्चर क्या है या किसे कहते हैं। देखिए, वर्मी कल्चर का बेसिक मतलब है केंचुओं का संवर्धन, केंचुओं का संवर्धन। केंचुओं के संवर्धन को हम क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं। अब देखिए, केंचुओं के संवर्धन का मतलब क्या है कि केंचुए क्या करते हैं कि बेकार कार्बनिक पदार्थ से जैविक खाद का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, केंचुए बेकार कार्बनिक पदार्थ से जैविक खाद का निर्माण करते हैं। इसीलिए केंचुओं का और जैविक खाद का जो उत्पादन है, या अपन कह सकते उत्पादन है, वह क्या होता है, साथ साथ होता है। अब हमने हमारी लास्ट क्लास में एक केंचुए के जीव एसिनिया फटीडा के बारे में पढ़ा था कि यह एक सामान्य प्रकार का केंचुए की प्रजाति है जो विशेष तौर से जंगलों में और नम भूमि क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखिए, हमने केंचुओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया था। पहला था एपिजेइक, दूसरा था एंडोजेइक और तीसरा था एनेसिक। एपिजेइक, एंडोजेइक और एनेसिक। अब देखिए, एपिजेइक की क्या विशेषता बताई थी कि यह केंचुए जमीन की ऊपरी सतह पर बेकार कार्बनिक पदार्थ के ढेर में रहते हैं। अर्थात जमीन की जो ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले केंचुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एपिजेइक। अब एंडोजेइक क्या होते हैं, एंडोजेइक क्या करते हैं, जमीन की सतह के भीतर नीचे छोटी छोटी सुरंग बनाकर रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब, अगर मैं ये जमीन को इस पोर्शन में विभाजित करूं तो ये मध्यम भाग तक ही रहते हैं, और ये बेकार कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे थे। ये क्या करते हैं, केवल मिट्टी को ही खाद में परिवर्तित करते हैं, तथा कॉस्टिंग को, जैविक खाद है उसको क्या करते हैं, समय समय पर बाहर आकर गिरा देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार के जो केंचुए होते हैं वो जमीन के भीतर रहते हैं, अर्थात अधिक गहराई तक नहीं रहते, लगभग एक फुट या आधा फुट तक रहते हैं और मिट्टी को ग्रहण करते हैं और कॉस्टिंग को, जैविक खाद है उसको बाहर आकर गिरा देते हैं। एनेसिक प्रकार के जो जीव होते हैं, ये क्या है, हमेशा, अब एनेसिक प्रकार के जो केंचुए होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है कि यह जमीन के भीतर गहरी गहरी सुरंग बनाकर रहते हैं। अब गहरी गहरी सुरंग बनाकर रहते हैं, यह दिन के समय तो जमीन के भीतर रहना पसंद करते हैं, लेकिन रात के समय ये क्या करते हैं, जमीन से बाहर निकलते हैं और बेकार कार्बनिक पदार्थों को जैविक खाद में परिवर्तित करते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह एक चिपचिपे पदार्थ का श्रावण करते हैं जो इनकी ये सुरंग है, इसकी दीवार को मजबूत बनाए रखने का कार्य करती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर ये, अपन जानते हैं सुरंग कभी भी मिट्टी होती है वो धस सकती है, इसीलिए एक चिपचिपे पदार्थ का श्रावण करते हैं जो क्या करती है, इनकी सुरंगों की दीवारों को मजबूती बनाए रखने का कार्य करती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये केंचुए जमीन की सतह के ऊपर और बेकार कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, ये मृदा से
जैविक खाद वापस ये बेकार कार्बनिक पदार्थों से जैविक खाद का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एपीजेक। एपीजेक प्रकार के जो भी केंचुए होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है कि इनको कृत्रिम वातावरण में भी पाला जाता है, अर्थात जो इनका एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है 10 से 35 डिग्री और जो भी नमी है उस पर इनको पाला जा सकता है, लेकिन एंडोजेक और एनेसिक इन दोनों को ही सामान्य परिस्थितियों में पाला नहीं जा सकता था। प्राकृतिक वातावरण में तो रहेंगे, कृत्रिम वातावरण में यह नहीं रहते हैं। अब आता है कैसे खाद प्राप्त की जाती है, उनकी क्या क्या विधियां है, अपन उनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वर्मी कंपोस्ट उत्पादन। देखिए वर्मी कंपोस्ट में पहली विधि पढ़ी थी सामान्य विधि। सामान्य विधि का बेसिक मतलब क्या है, जहां छोटे आकार के जैविक खाद का निर्माण करना है वहां, या कहने का मतलब कंपोस्ट का निर्माण करना है वहां इस विधि का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह विधि छोटे स्थल पर ही लाभकारी है। इसके लिए क्या किया जाता है कि जमीन में एक खड्डा कर दिया जाता है, अर्थात जमीन में खुदाई करके एक विशेष नॉर्मल लगभग 2 फुट का 4 फुट का एक खड्डा बना दिया जाता है। अब क्या किया जाता है, सबसे पहले नीचे बजरी की एक परत बिछा दी जाती है, बजरी की एक परत बिछा दी जाती है। अब बजरी की परत बिछाकर क्या करते हैं कि इसके ऊपर बेकार कार्बनिक पदार्थ और केंचुओं को साथ छोड़ दिया जाता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि केंचुए नमी में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए इनके ऊपर गीला कचरा डाल दिया जाता है, गीला कचरा डाल दिया जाता है, अर्थात बजरी उसके ऊपर बेकार कार्बनिक पदार्थ प्लस केंचुए उसके ऊपर गीला कचरा और ऊपर बोरी या टाट कहते हैं उससे क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है और समय समय पर क्या किया जाता है उस बोरी को गीला किया जाता है ताकि नमी और तापमान स्थिर रहे। लेकिन इस विधि द्वारा लगभग 1 महीने में 25 से 30 किलोग्राम ही खाद जैविक खाद को प्राप्त किया जा सकता है। अब दूसरी जो विधि आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वह है पिट विधि। हमारा टॉपिक यहीं से शुरू हो रहा है, सेकंड है पिट विधि। देखिए जब जैविक खाद का निर्माण बड़े स्तर पर करना हो अर्थात ज्यादा करना हो तो वहां पर पिट विधि का उपयोग किया जाता है। पिट विधि और सामान्य विधि लगभग सेम है, थोड़ा सा ही प्रक्रिया में चेंज है। देखिए फर्क क्या है, सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसमें एक बड़े आकार का गड्ढे का निर्माण कर दिया जाता है। अब आवश्यकता के अनुसार हो सकता है 1 फीट का हो 2 फीट का हो 3 का 4 का जितना भी हो उसमें गड्ढे का निर्माण कर दिया जाता है। अब इस गड्ढे में नीचे सूक्ष्म छिद्र बनाए जाते हैं। कारण क्या, अगर कोई ऊपर से पानी डाले गीले करने के लिए कचरा तो वो पानी क्या हो छन छन कर क्या हो वापस भूमि में चला जाए, अर्थात इकट्ठा नहीं हो। देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि अगर ऊपर से कोई पानी कचरे को गीला करने के लिए डाला जा रहा है तो वो पानी नीचे आकर इन छिद्रों से जमीन में चला जाए, उस गड्ढे में इकट्ठा नहीं हो। गड्ढे में इकट्ठा होगा तो फिर जैविक खाद का निर्माण क्या होगा, संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्रकार का जो पानी है वह क्या हो, एक इकट्ठा एक जगह नहीं हो। अब क्या किया जाता है, सबसे पहले नीचे एक पत्थर की परत बिछाई जाती है, अर्थात कहने का मतलब छोटे जो कंकड़ होते हैं उनकी लगभग आधा फीट तक या आधा फीट की एक परत बिछाई जाती है। अब बिछाई इस प्रकार जाती है कि उन पत्थरों से पानी जो है वो जमीन के गड्ढों में जाता रहे, अर्थात जो मैं पानी डालूंगा वो पानी क्या हो, नीचे जाता रहे। अब पत्थर की परत के ऊपर बालू मिट्टी की एक परत बिछाई जाती है। बालू मिट्टी की एक परत क्या करी जाती है, बिछाई जाती है। तो सबसे पहले क्या की, छोटे छोटे कंकड़ की एक परत बिछा दी, उसके ऊपर बालू मिट्टी की एक परत बिछा दी, उसके ऊपर वापस एक डूमट मिट्टी की एक परत बिछा दी जाती है। तो कहने का मतलब पत्थर की एक परत, बालू मिट्टी की एक परत, डूमट मिट्टी की एक परत बिछा दी जाती है। अब इस परत पर हल्का सा गोबर की एक परत बिछाई जाती है, बहुत हल्की एक परत बिछाई जाती है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले केंचुओं को
कैंचुओं को क्या करते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब कैंचुओं की संख्या आवश्यकता अनुसार अलग अलग होती है, किसी जगह कैंचुओं की संख्या जो होगी वो लगभग 500 होगी और कहीं जगह जो कैंचुओं की संख्या होगी वो लगभग 100 भी हो सकती है, 50 भी हो जाए। अब यहां क्या करेंगे, यहां पर एक तो एपिजेइक और एंडो एनेसिक, अब देखिए एंडोजेइक को मैं अकाउंट नहीं कर रहा हूं, यहां पर एपिजेइक और एनेसिक प्रकार के कैंचुओं को यहां पर छोड़ दिया जाता है। संख्या कोई फिक्स नहीं है, 50, 100, 150, 200। अब यहां पर क्या किया जाता है, बेकार कार्बनिक पदार्थ है उनकी परत बिछा दी जाती है, बेकार जो भी कार्बनिक पदार्थ है उसकी क्या करेंगे, परत को बिछा देंगे। अब इस परत को बिछाने के पश्चात इस परत के ऊपर थोड़ा गीला कचरा डाल दिया जाता है, गीला कचरा डाल दिया जाता है। अब क्या होगा, हमने सामान्य विधि पढ़ी तो हमने क्या कहा कि इसमें पूरा ढक दिया जाता है, यहां ढका नहीं जाता। कहने का मतलब क्या है कि पहले यहां पर 1-2 सेंटीमीटर की परत डाली या 4 सेंटीमीटर की परत डाली, फिर 1 सप्ताह बाद फिर 4 सेंटीमीटर की और परत डाली जाती, मतलब क्या है, खड्डे को धीरे 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 क्या होता है, भरा जाता है, एक साथ नहीं भरा जाता, ताकि क्या हो, कैंचुए इस बेकार कार्बनिक पदार्थ से जैविक खाद का क्या करे, निर्माण करे। तो कहने का मतलब क्या है, अब जो कचरा है, जो बेकार कार्बनिक पदार्थ है उसकी धीरे धीरे परत डाली, अर्थात 1 सप्ताह के अंदर 2 सेंटीमीटर की परत बिछा दी, अब दूसरे सप्ताह फिर 2 सेंटीमीटर की परत बिछाई, तीसरे सप्ताह फिर 2 सेंटीमीटर की परत बिछाई। तो कहने का मतलब क्या है, कैंचुए क्या करे, धीरे 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 सभी जो बेकार कार्बनिक पदार्थ है उसको जैविक खाद में परिवर्तित कर दे। अब एक प्रश्न आता है, नीचे की जो परत होगी कैंचुए उसको तो आसानी से जैविक खाद में परिवर्तित कर देंगे, लेकिन जो ऊपरी परत है उसको कैंचुए किस प्रकार जैविक खाद में परिवर्तित करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, हम बार बार क्या करते हैं, कचरे को ऊपर नीचे करते रहते हैं। अपन ने ऊपर नीचे करने से क्या होगा, बार बार जैसे ये नीचे की परत है तो बार बार क्या, इस कचरे को हिलाया जाता है, मतलब इस प्रकार से हिलाना है कि ये निचली परत है ये ऊपर आ जाए और ऊपरी परत क्या हो, नीचे चली जाए, अर्थात सभी बेकार कार्बनिक पदार्थ, जितना भी बेकार कार्बनिक पदार्थ कचरा है उससे क्या हो, जैविक खाद का क्या हो जाए, उससे जैविक खाद का निर्माण हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि बेकार कार्बनिक पदार्थ से जैविक खाद के निर्माण की जो ये विधि है ये सबसे एक तो सर्वश्रेष्ठ और अच्छी मानी जाती है। अब इस विधि से लगभग 1 महीने बाद आवश्यकता अनुसार जैविक खाद को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, कचरे की बार बार परत बिछाई, धीरे धीरे परत बिछाई और बेकार कार्बनिक पदार्थ की परत बिछाई और कैंचुए उसको क्या कर रहे हैं, जैविक खाद में परिवर्तित कर रहे हैं। अब देखिए अब विशेषता क्या होगी, अब जो ये जैविक खाद बनेगी इसमें हो सकता है कुछ बेकार कचरा, बेकार कार्बनिक पदार्थ भी साथ में हो, तो क्या किया जाता है, जैसी बेकार कार्बनिक पदार्थ, अब इस जैसी जैविक खाद बनी है तो जितना भी जैविक खाद बनी है सबसे पहले क्या किया जाएगा, उसको बाहर निकाला जाएगा। पिट विधि के 2 चरण होते हैं, मैं पहला चरण क्या है, पहले चरण में तो क्या हुआ, कैंचुओं ने बेकार कार्बनिक पदार्थ को जैविक खाद में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। अब सेकंड चरण शुरू होता है। अब सेकंड चरण में क्या होगा, जैसे ही गड्ढा पूरा भर गया, क्योंकि बार 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 हम पलट रहे हैं, पलटने से क्या हो गया, गड्ढा पूरा भर चुका है, इसका मतलब बार बार हमने उसको आगे पीछे भी कर दिया तो गड्ढा पूरा जैविक खाद से भर गया। अब जैविक खाद से तो भर गया है, लेकिन समस्या क्या है, हम बार बार समय समय पर पानी डाल रहे थे, 1 सप्ताह में बार बार इसको गीला कर रहे हैं, तो हो सकता है वो जैविक खाद गीली हो, हमें तो सूखी चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस जो जैविक खाद बनी है इसको बाहर निकालकर धूप में सुखाया जाता है। तो सेकंड चरण का सबसे पहला पॉइंट क्या है, जैसी जैविक खाद बनी इसको बाहर निकाल के धूप में सुखाया जाता है। अब 2-3 दिन इसको सुखाया जाता है, सुखाने के पश्चात इसको छरनी में छाना जाता है, अर्थात जो जैविक खाद हो वो अलग हो जाए और ऐसा बेकार कार्बनिक पदार्थ जो अभी सही तरीके से जैविक खाद में परिवर्तित नहीं हो उसको वापस किसी प्रक्रिया में डाल दिया जाता है। और जो अब जो छानने के पश्चात जो जैविक खाद बच गई है उसको आवश्यकता अनुसार पैकेट में या कंटेनर में भरकर मार्केट में उपलब्ध करा दिया जाता है या खेतों में इसका उपयोग किया जाता है। तो पिट विधि क्या है, मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हम आवश्यकता अनुसार जमीन में एक नॉर्मल सतह पर खड्डे का निर्माण करते हैं, अर्थात एक खड्डे का हम क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। अब ये खड्डा अलग अलग प्रकार का हो सकता है, ये कंटेनर भी हो सकता है, लकड़ी की पेटी हो, वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। अब क्या करना है, सबसे पहले
जो भी गड्ढा बनाया है, कंटेनर बनाया, इसमें पानी की निकासी के लिए छेद होना बहुत जरूरी है। इस बात का सबसे बड़ा ध्यान रखना है। अगर छेद नहीं होगा तो जो ऊपर से पानी डाला जाएगा वो धीरे 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 क्या होगा, भरेगा, तो फिर क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केंचुए पानी में नहीं रह सकते, वो बाहर निकल जाएंगे। अब सबसे पहले पत्थर की एक परत बिछा दी। अब पत्थर की परत बिछाने का उद्देश्य क्या हो कि पानी उसमें से धीरे धीरे नीचे चला जाए और मिट्टी भी क्या हो ऊपर ही रहे। अब उसके ऊपर बालू की परत, फिर हमने किसकी डाली, दोमट मिट्टी की परत, और उसके ऊपर गोबर की एक परत बिछा दी जाती। अब हमने क्या किया, एपिजेइक और एनएसी, यहाँ ध्यान रखना एंडोजेइक को हमने यूज नहीं किया है, क्योंकि एंडोजेइक को हमने इसलिए यूज, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि मैंने एपिजेइक और एनएसी को ही क्यों यूज किया, मैंने एंडोजेइक को यूज क्यों नहीं किया। देखिए, मैंने पहले भी स्पष्ट कहा है कि एपिजेइक बेकार कार्बनिक पदार्थ को जैविक खाद में परिवर्तित करते हैं, एनएसी बेकार कार्बनिक पदार्थ को जैविक खाद में परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन एंडोजेइक मिट्टी को कॉस्टिंग द्वारा, कॉस्टिंग गिराकर जैविक खाद बनाते हैं, इसलिए वो मिट्टी को ही ग्रहण कर रहे हैं। तो वहां, यहाँ हमारे लिए मिट्टी का कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसीलिए हमने इनको नहीं डाला। अगर हम यहाँ पर एंडोजेइक को डाल देते तो वो इस बेकार कार्बनिक पदार्थ को कोई परिवर्तित नहीं करते, इसीलिए इसका उपयोग नहीं करते। अब इसके ऊपर गीला कचरा, और समय समय पर क्या किया जाता है, इस कचरे को गीला किया जाता है। अब धीरे धीरे परत बढ़ानी है, अर्थात अभी हमारी परत इतनी है, फिर थोड़ी ऊपर, फिर थोड़ी धीरे 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 क्या किया जाता है, परत को बढ़ाया जाता है, ताकि केंचुए सभी बेकार कार्बनिक पदार्थों को जैविक खाद में परिवर्तित कर दे। और इसके साथ ही इस जो परतें हैं इनको बार बार ऊपर नीचे किया जाता है, तभी सभी कार्बनिक पदार्थ जैविक खाद में परिवर्तित हो जाए। अब जैसे ही ये गड्ढा पूरा भर जाता है, उसके पश्चात इस जैविक खाद को निकाल के सबसे पहले धूप में सुखाया जाता है, ताकि अगर कोई गीलापन है तो वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। उसके पश्चात इनको छानने के पश्चात जो ऐसा बेकार कार्बनिक पदार्थ जो अभी जैविक खाद में परिवर्तित नहीं हुआ है, उसको वापस इसी गड्ढे में डाल दें, और बाकी को अलग अलग प्रकार से पैक करके मार्केट में बेचने के लिए या खेतों में डालने के लिए दे दिया जाता है। तो ये थी हमारी सेकंड पिट विधि। अब थर्ड जो हमारी विधि आ रही है वो है सरफेस बेड विधि, वो भी इसी की प्रकार की एक विधि होती है। उसमें फर्क क्या है, उसमें एक बेड बना दिया जाता है जिसको कहते हैं सरफेस बेड विधि। तो तीसरी हमारी विधि होती है सरफेस बेड विधि। अब सरफेस बेड विधि क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसमें और उसमें थोड़ा परिवर्तन क्या है कि पिट विधि में तो क्या था, मैं जमीन के भीतर गड्ढा बनाकर मैं उसमें क्या कर रहा था, बेकार कार्बनिक पदार्थ से जैविक खाद बना रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, जमीन के भीतर खड्डा नहीं बनाना, क्योंकि बेड, हम बेड का एक सामान्य अर्थ यूज करते हैं, तो पलंग कैसे होता है, जमीन के ऊपर रखा जाता है, वैसे क्या होता है, यहाँ पर बेकार कार्बनिक पदार्थों को जमीन की सतह के ऊपर, ही क्या किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट अथवा जैविक खाद का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, जमीन के ऊपर अर्ध गोलाकार आकृति का, ध्यान रखिएगा, जमीन के ऊपर अर्ध गोलाकार आकृति का क्या किया जाता है, जमीन के ऊपर एक अर्ध गोलाकार आकृति का एक बेड है वो बनाया जाता है। और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाता है, इस अर्ध गोलाकार बेड बनाया है, लेकिन इसके साथ हमें तीन चीज का ध्यान रखना है। देखिए, हमने तीन चीज कौन सी है, पहला, केंचुओं के लिए नमी हमेशा बनी रहे। अर्ध गोलाकार बेड बना दिया, उसके साथ में सबसे पहली चीज क्या, इस अर्ध गोलाकार, क्योंकि जमीन के ऊपर हमने अर्ध गोलाकार आकृति का बेड बनाया है, लेकिन यहाँ हमें तीन चीज का हमेशा ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है कि नमी जो है वो हमेशा क्या हो, बनी रहे, अर्थात ऐसा नहीं हो कि नमी भी बिल्कुल ही नहीं हो, तो नमी नहीं हुई तो फिर क्या होगा, केंचुए नहीं रह पाएंगे। दूसरा है, ताजी हवा हमेशा अवेलेबल हो, अर्थात वायु जो है, शुद्ध हवा है, वो भी यहाँ क्या होनी चाहिए, अवेलेबल हो। और तीसरा है तापमान, अर्थात वायु है वो क्या हो, निरंतर आती जाती रहे, और तीसरा जो तापमान है वो भी क्या हो, निरंतर बना रहे। तो कहने का मतलब 10 से 45 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो निरंतर इसमें क्या हो, बना रहे। ऐसा नहीं हो किसी समय 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला गया, 60 से ऊपर चला गया, तो उस कंडीशन में केंचुए नहीं रह पाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, एक तो नमी हो, दूसरा ताजी हवा भी आती रहे, तीसरा तापमान भी क्या हो, परिवर्तित रहे। अब इसके बाद क्या किया जाता है, सूखे कचरे को क्या किया जाता है, इस बेड के ऊपर रख के उसमें केंचुओं को छोड़ा जाता है, और इसी प्रकार से क्या किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद का निर्माण किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा वर्मी कल्चर जो टॉपिक था वह पूर्ण होता है। अब वर्मी कल्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं रिवाइज कर रहा हूं, वर्मी कल्चर क्या है,
नेक्स्ट कैंचुओं कौन कौन सी उनकी प्रजातियां होती, कई बार प्रश्न आया हुआ है। फिर हमने एसिनिया फर्टीडा की सामान्य चर्चा पढ़ी, एसिनिया फर्टीडा के बाद हमने वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किस प्रकार किया जाता है वो भी हमने तरीके पढ़े। तीन विधियां थी, सामान्य विधि, पिट विधि और सरफेस विधि। और इसके साथ ही अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम यूनिट सेकंड रेशम कीट पालन को शुरू करेंगे। इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट है वो पूर्ण होती है। अब मैं बता देना चाहता हूँ, फर्स्ट यूनिट में हमारे दो टॉपिक थे, मुर्गी पालन और वर्मी कल्चर, ये दोनों ही टॉपिक पूर्ण हो गए। इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट आज पूर्ण हो गई है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।